पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने मनोहर सरकार पर बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सांगवान ने कहा कि भिवानी में सीएम खट्टर के प्रोग्राम में काली चुन्नी व दुपट्टे उतरवाकर उनको शर्मसार किया। बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है ये सरकार को पता ही नहीं है। ऐसा करके सरकार को डूब मरने जैसा काम किया है। सरकार ऐसा ही काम कर रही है तभी उनकी सोच है कि लोग उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। सरकार को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि कोई उन्हें काले झंडे दिखाएं। अब सरकार के लोगों ने काले कपड़े पहनी महिलाओं को कार्यक्रम में नहीं आने दिया तो कल वे अपने घरों में भी ऐसी महिलाओं को नहीं आने देंगे। इससे बड़ा अपमान सहन नहीं होगा। सांगवान ने इनेलो द्वारा दादूपुर नलवी नहर पर राजनीति कार्य करने का आरोप लगाया। कहा कि इनेलो सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ढोंग रच रहे हैं। कभी SYL के नाम पर लोगों को बहकाया तो दादूपुर नहर के नाम पर जनता को बरगला रहे हैं। SYL के लिए इनेलो ने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है। खेत में कस्सी मारने से SYL का पानी नहीं आता। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने दादरी को जिला बना दिया लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर कोई ईंट भी नहीं लगाई। सरकार ने हर वर्ग को परेशान कर उनके हितों पर ठुकराघात किया है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, आज़ाद TV न्यूज़। बहुत शर्म की बात है हमारी बहन बेटियों के एक तरफ तो ये बात करते हैं, इनको क्या पता कि बहन की जो है ना बेटी की कितनी इज्जत होती है। क्या पता मुख्यमंत्री महोदय को लड़की या बेटी की या बहू की क्या कीमत होती है। सर पर दुपट्टा उतारना बहुत शर्म की बात है और डूब मरने की बात है इनके लिए। ये तो बहुत बड़ा कलंक है समाज के लिए। कोई जाता है किसी फंक्शन में हिस्सा लेने, अरे काला काला अगर उसने वोट रखा है तो तुम ऐसा काम मत करो जिससे कि आपका जो है ना लोग काले झंडे दिखाएं। तो ये बहुत बुरी बात है। काली सलवार वालों को नहीं बढ़ने दिया, अरे फिर घर में ना बढ़ने दोगे तो ये एक बहुत शर्म की बात है।